अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अजान दे दें। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअ्दु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम ग़ैरिल मग़ المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने इख्तिताम के आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है और आज 21वां रोज़ा है। जमात को मैं कुछ अरसे से इबादत का हक़ अदा करने की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूँ, कमियत के लिहाज से भी और कैफियत के लिहाज से भी, इस लिहाज से भी कि इबादत का मयार तादाद में भी बढ़ाया जाए और इस लिहाज से भी कि इबादत का मयार उसके रूह और माने के लिहाज से, उसके मर्तबे के लिहाज से भी बढ़ाया जाए। गुज़श्ता कुछ चंद दिन पहले एक साहब ने मेरी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई कि जमात अहमदिया में जब लफ्ज़ इबादत बोला जाता है तो जहन मान नमाज़ों की तरफ मुंतकिल हो जाता है और वहीं ठहर जाता है और नमाज़ों से आगे बढ़कर जो इबादत का मफ़हूम है उसकी तरफ अमूमन जहन मुंतकिल नहीं होते। चुनांचे बावजूद इसके कि इन खुतबात के नतीजे में अल्लाह के फजल के साथ कहना चाहिए बकसरत लोगों की तवज्जो, यानी उन अहमदी दोस्तों की तवज्जो जो पहले नमाज़ों में गाफिल थे, नमाज़ों की तरफ हो गई है और जो नमाज़ें अदा करते थे उनका मेयार भी अल्लाह ताला के फजल से बुलंदतर हुआ है। लेकिन रोज़ों के लिहाज से जमात मेयार से अभी तक बहुत गिरी हुई है और तवज्जो भी पूरी नहीं हुई और कोई ऐसी गैर मामूली तब्दीली दिखाई नहीं दे रही जिससे हम अंदाज़ा कर सकें कि वो आपके मफ़हूम को पूरी तरह समझ रहे हैं और इबादत में रोज़ों को भी दाखिल कर रहे हैं। चूँकि इससे पहले रमज़ान का महीना नहीं था इसलिए इस गलती की निशानदेही की ही नहीं जा सकती थी। अब जबकि रमज़ान शरीफ का महीना आया है तो लिखने वाले ने महसूस किया कि इस तरफ अभी नुमायाँ कमी है और मैंने भी अपने उम्मी तजर्बे पर निगाह डाल कर देखा तो ये उनका तवज्जो दिलाना बिल्कुल बरहक था। जमात अहमदिया में रोज़ों की तरफ बिलअमूम तवज्जो कम है और उसकी एक वजह यह है कि गैर अहमदी उलमा ने रोज़ों पर इतना ज़्यादा ज़रूरत से बढ़कर और इतदाल से आगे निकल कर ज़ोर दिया है कि उसका रद्द अमल पाया जाता है और रोज़ों के मामले में चूँकि उतनी सख्ती नहीं करनी इसलिए जितनी करनी चाहिए उससे भी गिर गए हैं और ये बहुत ही एक तकलीफ़ दे शक्ल है क्योंकि दर हकीकत रोज़ा तो इबादत का मेराज है, रोज़ा सब इबादतों में अफजल है, इसमें सारी इबादतें सिमट जाती हैं और तमाम इबादतें अपने उरूज तक पहुंचकर रोज़े की शक्ल इख्तियार करती हैं। इससे ऊपर सिर्फ़ एक हज का मुकाम है और हज के बाद रोज़े का मुकाम आता है। उस बाकी सब इबादतें इसके ताबे हैं, इन दोनों के ताबे आती हैं। बस इस पहलू से रोज़ों में गफलत एक बहुत ही बड़ा नुकसान है जो जमात अहमदिया बर्दाश्त कर रही है, अगर ये नुकसान हर जगह पाया जाता है। मेरा ये अंदाज़ा है कि हमारे खुशहाल तबके में ये कमी ज़्यादा है और पाकिस्तान से बाहर की जमातों में ये कमी ज़्यादा है। मगरबी तहजीब से मुतासर होकर नई नस्लों ने इबादत के मयार में वैसे ही कमज़ोरी दिखाई, मगर नमाज़ों में निस्बतन कम, रोज़े में बहुत ज़्यादा। अब जब बार बार तलकीन की गई तो बड़ी खुशकुन खबरें सारी दुनिया के ममालिक से आ रही हैं, सिर्फ़ मगरिब से नहीं या पाकिस्तान हिंदुस्तान से नहीं, बल्कि सब दुनिया के ममालिक से, कि नई नस्लों में नमाज़ों का मयार खुदा के फजल से बहुत बुलंद हुआ है। लेकिन रोज़े के मुतल्लिक ऐसी खुशखबरी किसी ने ज़िक्र नहीं की। मालूम यही होता है कि तज़िया करने वाले की बात दुरुस्त है, जब हम इबादत का लफ्ज़ कहते हैं तो सुनने वाले अहमदी बिलअमूम इबादत से नमाज़ें मुराद लेकर उसी को काफ़ी समझ लेते हैं। हालांकि इबादत में अव्वल हज है जो सबसे बड़ी इबादत है, फिर रोज़े हैं जो हज से नीचे तमाम इबादतों का ख़ुलासा है और हवासे खमसा की कुर्बानियों का निचोड़ हैं। इसी तरह फिर नमाज है जो मुस्तकिल इबादत और ग़िज़ा की तरह है मोमिन के लिए, बल्कि इस पहलू से मरकज़ी हैसियत रखती है। तो रोज़ों के मुतालिक मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ, बावजूद इसके कि अब सिर्फ़ 9 रोज़े बाकी हैं आज के बाद, फिर भी रमज़ान की बरकतों में से जितना भी हिस्सा किसी को नसीब हो जाए वो भी बहुत बड़ी गनीमत है। और अगर आज की गुजरी हुई रात लैलतुल क़द्र नहीं थी तो फिर लैलतुल क़द्र भी अभी आने वाली है, जिसकी तलाश में 1400 साल से उम्मत हमेशा गैर मामूली तवज्जो करती रही है और गैर मामूली मेहनत दिखाती रही है। तवज्जो जुस्तजू के लिहाज से कि किन इन 10 रातों में से आखिरी 10 रातों में से कौन सी रात वो रात है, और मेहनत इस लिहाज से कि बाद लोग रातों के अक्सर हिस्से को जाग कर गुजारते हैं कि हमें भी लैलतुल क़द्र की घड़ी नसीब हो जाए। तो इस पहलू से ये इस बात का इम्कान चूँकि मौजूद है कि बकिया 9 रातों में ही लैलतुल क़द्र की रात भी हो, इसलिए अब भी अगर तवज्जो दिलाई जाए तो ये बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुई और बहुत बड़ा इस्तिफ़ादा करने का इम्कान रोशन है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की अहमियत वाज़े करते हुए फ़रमाते हैं, मगर उससे पहले जो कुरान करीम की आयात मैंने तलावत की थी उनका तर्जमा और मफ़हूम मैं आपके सामने पेश कर दूँ। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए हो, तुम पर रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा की बारीक राहें इख्तियार करो और तक़वा के आला मज़ामीन समझो। अय्याम मादूदात, ये तो गिनती के चंद दिन हैं, इसलिए इनसे भागने या घबराने की ज़रूरत नहीं। और वो चंद दिन भी ऐसे हैं जिनमें तुम्हें खुदा ताला तुम्हारी तकलीफ़ के पेश नज़र इस्तिस्ना सहूलतें भी देता जाता है और इस्तिस्ना भी मुकर्रर फरमाता जाता है। अय्याम मादूदात बावजूद इसके कि चंद गिनती के दिन हैं, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। इन चंद दिनों में भी खुदा ताला इतनी सहूलत मुहैया फरमा रहा है कि तुम में से जो मरीज़ हो या सफ़र पर हो उसके लिए ज़रूरी करार नहीं देता कि इसी महीने में रोज़े रखे, बल्कि बाद अज़ां जिस वक्त सहूलत मुयसर आए वो रोज़े रख सकता है। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन। हाँ, वो लोग जो रोज़े की ताकत नहीं रखते उन पर रमज़ान रोज़े का फ़िदिया देना, एक मिस्कीन के लिए, मिस्कीन को रोज़े का फ़िदिया देना ज़रूरी है। ये जो आयत है ये दो तरह से तर्जमा की जा सकती है। अताक़ा युतीक़ो का माना मुस्बित में भी लिया जा सकता है और मनफी में भी लिया जा सकता है। इस बाब में ये ख़ास खूबी है और कुरान करीम ने इस एक लफ्ज़ में दोनों माने बयान फरमा दिए हैं। और जो बाद में आने वाली आयत है वो इस मजमून को और ज़्यादा खोल देती है। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु से एक माना ये है कि वो लोग जो रोज़े की ताकत नहीं रखते उनके लिए फ़िदियतुन ताअमु मिस्कीन, फ़िदिया है एक मिस्कीन का खाना खिलाना। और दूसरा माना यह है कि वो लोग जो रोज़े की ताकत रखते हैं, या हु की ज़मीर अगर फ़िदिया की तरफ ले जाएं तो ये माने होंगे कि वो लोग जो फ़िदिया देने की ताकत रखते हैं उनके लिए इस छोड़े हुए रोज़े के बदले एक मिस्कीन का खाना खिलाना बतौर फ़िदिया मुकर्रर हो गया। इन दोनों मानों को बाद में आने वाली आयत के साथ मिलाकर जब देखें, फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, कि जो शख्स तोई तौर पर नेकी की इख्तियार करे और नफली रंग में कोई नेकी करना चाहे तो उसके लिए बेहतर है। इस आयत के साथ मिलाकर मैं इस पूरी आयत का मज़मून ये समझता हूँ कि एक माने ये बनेंगे वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतुन ताअमु मिस्कीन, कि वो लोग जो रोज़े की ताकत ही नहीं रखते, यानी रमज़ान गुज़रने के बाद भी वो रोज़ा नहीं रख सकेंगे और मुस्तकिल मजबूर हैं, यानी सारी ज़िंदगी फिर वो रोज़ा रख ही नहीं सकते, ऐसे दायमुल मरीज़ भी होते हैं। अलल्लज़ीना का माना है उन पर फ़र्ज़ है कि वो ज़रूर फ़िदिया दें, और रोज़ा नहीं रख सकते तो लाजमन उसका बदला फ़िदिया के तौर पर दें। दूसरा माना है वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और वो लोग जो रोज़े की ताकत रखते हैं, इन मानों में कि मुसाफिर हैं, वैसे ताकत मौजूद है मगर अल्लाह ने रुख्सत दी है, मरीज़ हैं मगर आर्जी मरीज़ हैं, कल को खुदा ताला सेहत अता फरमाए तो फिर वो रोज़े रख सकते हैं, या इतने मरीज़ नहीं हैं कि रोज़ा रखें तो जान निकल जाएगी, कुछ ना कुछ ताकत ज़रूर रखते हैं। और चूँकि ये लोग ये दोनों बाद में रोज़े रख सकते हैं तो उनके मुतालिक फरमाया उनका फ़िदिया देना फ़मन ततव्वा के ताबे होगा। चूँकि रोज़ा बाद में रख लेंगे इसलिए फ़िदिया इनका नफली काम बन जाएगा। अगर वो नफलन फ़िदिया दें तो उनके लिए बहुत बेहतर है कि फ़िदिया भी दें रमज़ान के दौरान और रोज़ा भी रखें रमज़ान के बाद, जब भी खुदा तौफीक दे। ये बेहतर इसलिए बन जाता है कि ज़िंदगी का एतबार कोई नहीं। जो शख्स आर्जी मरीज़ है या मुसाफिर है, अगर रोज़े की तमन्ना रखता है और चाहता है कि ये फ़र्ज़ उसके सर से उतर जाए, या वैसे रोज़े से मोहब्बत रखता है और चाहता है लेकिन मजबूर है, उसको चूँकि यकीन नहीं हो सकता कि वो रोज़ों के बाद भी ज़िंदा रहेगा और उसको तौफीक भी मिलेगी रोज़े रखने की, तो अगर वो नफली तौर पर एहतियातन रोज़े का हक़ फ़िदिये के तौर पर अदा कर दे तो ये उसके लिए बेहतर है। ताकि खुदा न खास्ता अगर बाद में उसकी रोज़ा रखने से पहले वफ़ात भी हो जाए तो कुछ ना कुछ वो रोज़े का हक़ अदा करके दुनिया से रुखसत हो रहा होगा। इससे रोज़े के मजमून में और ज़्यादा अहमियत आ जाती है और खुदा ताला का मंशा मालूम होता है कि वो पसंद फरमाता है कि जिस कदर जल्द हो सके बंदे इस फरीज़े को अदा कर दें और मेरे हुजूर बरी-ओ-ज़िम्मा हो जाएं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो शैतान और सरकश जिन कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और खोला नहीं जाता। दोज़ख का कोई दरवाज़ा भी खुला नहीं रहने दिया जाता और जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहने दिया जाता। और एक ऐलान करने वाला ये ऐलान करता है कि ए नेकी की तलबगारों, नेकी की तरफ मुतवज्जे हो और ए बुराई का इरादा रखने वालों, बुराई से बाज आ जाओ। अल्लाह बहुत से लोगों को दोज़ख से आज़ाद करने का ऐलान करता है और हर रात को ऐसा ही होता रहता है जब तक कि रमज़ान की रातें गुजर न जाएं। यहाँ जो ये फरमाया गया कि दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, इससे मुराद ये तो नहीं है कि दुनिया में किसी इंसान पर भी उस वक्त अगर वो मर जाए तो दोज़ख हराम हो जाएगी। मुराद ये है कि जो रमज़ान को कबूल करते हैं, और ये हज़फ है इसमें, जो लोग रमज़ान को कबूल ना करें उनके मुतल्लिक़ ये सोचना कि दोज़ख के दरवाज़े उन पर बंद कर दिए जाएंगे, ये बिल्कुल बेमानी बात है। बल्कि उलट असर ज़ाहिर होना चाहिए। जो रमज़ान से गुज़र रहा हो और उसके बावजूद रमज़ान के दौरान उस पर दोज़ख के दरवाज़े खुले रहें, वो बहुत ही बदकिस्मत इंसान होगा। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये अबू हुरैरा की रिवायत है सही बुखारी में, कि रोज़ा गुनाहों के लिए ढाल है, ना तो फहश काम किया जाए और ना जहालत की बात। अगर कोई शख्स उस रोज़ादार से झगड़े या गाली दे तो रोज़ादार उससे कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, दोबारा कह दे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि मैं रोज़े से हूँ। रोज़ादार की मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। वो खाना पीना और मरगूबात महज मेरे लिए छोड़ता है। अल्लाह फरमाता है आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में खुदा की तरफ मंसूब करके ये बात कही गई है कि वो खाना पीना और मरगूबात के नफ्स महज मेरे लिए छोड़ता है। रोज़ा ख़ास मेरे ही लिए है और मैं ही उसका सिला देता हूँ और हर नेकी पर 10 गुना सवाब मिलता है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हज़रत सहल से रवायत है, ये भी सही बुखारी से ली गई है, कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है। क़यामत के दिन उस दरवाज़े से बजूज़ रोज़ादारों के और कोई दाखिल ना हो सकेगा। कहा जाएगा रोज़ेदार कहाँ हैं, और उनको आगे बुलाया जाएगा और उस दरवाज़े से सिर्फ़ उन्हीं को दाखिल होने की दावत दी जाएगी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हदीस शरीफ में आया है कि वो 2 आदमी बड़े बदकिस्मत हैं, एक वो जिसने रमज़ान पाया और रमज़ान गुजर गया और उसके गुनाह बख्शे न गए, और दूसरा वो जिसने वालिदैन को पाया और वालिदैन गुजर गए और उसके गुनाह बख्शे न गए। यहाँ रमज़ान का वही मफ़हूम बयान किया गया है जो कुरान करीम की उस आयत की रोशनी में मैंने बयान किया था कि हर शख्स के लिए जहन्नम के दरवाज़े बंद नहीं होते। मुराद ये है कि जहन्नम के दरवाज़े बंद होने का एक इम्कान पैदा हो जाता है, और बड़ा ही बदकिस्मत है वो शख्स जिसके लिए ये इम्कान पैदा हो कि जहन्नम के सब दरवाज़े उस पर बंद कर दिए जाएँ और फिर भी वो ऐसे अमाल बजा न ला सके जिनके नतीजे में वो दरवाज़े बंद किए जाते हैं। ये मजमून कि जहन्नम के सब दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, ये समझने के लायक है। जैसा कि मैंने बयान किया था, रमज़ान का ताल्लुक़ या रोज़े का ताल्लुक़ हवासे खमसा से है, और कोई एक भी इंसानी हवास नहीं है जो रोज़े से मुतासर नहीं होता, और हर एक के ऊपर लगाम आ जाती है। हर एक इंसानी तमन्ना के ऊपर एक पाबंदी आयद हो जाती है। इसलिए खालिसतन सारे का सारा इंसान खुदा के हुजूर कुछ कुर्बानी कर रहा होता है। चूँकि जहन्नम के दरवाज़े दरअसल हवासे खमसा के दरवाज़े ही हैं। जब हिस्स आज़ाद होती है और गुनाह में मुर्तकिब होती है तो हिस्स के दरवाज़े से इंसान जहन्नम में दाखिल होता है। जब मज़ा आज़ाद होता है और ऐसी चीज़ की लज्जत हासिल करता है जो खुदा ने उस पर हराम कर दी है, तो मज़े के दरवाज़े से इंसान जहन्नम में दाखिल हो रहा होता है। इसी तरह नज़र आज़ाद हो जाती है, इसी तरह ज़ुबान आज़ाद हो जाती है, इसी तरह कान आज़ाद हो जाते हैं, इसी तरह दीगर हिस्सात हैं। तो जहन्नम के दरवाज़ों से मुराद को ये हरगिज़ नहीं है कि वहाँ कोई गेट लगे हुए हैं जो मादी लिहाज से दरवाज़े हैं और उनको बंद किया जाता है या उनको खोला जाता है। मुराद ये है कि इंसानी हिस्से ही हैं, और चूँकि 5 हिस्से इंसान की ऐसी हैं जिनसे लज्जत याबी मुमकिन है, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक भी और खुदा की मर्ज़ी को छोड़ कर भी। गेट क्रैश करके भी इंसान लज्जत हासिल कर सकता है और ख़ुदा की रज़ा के ताबे रहकर भी लज्जत हासिल कर सकता है। बस रमज़ान में दरवाज़े बंद करने से मुराद ये है कि मोमिन अपने ऊपर ये सारे दरवाज़े बंद कर लेते हैं जिन रस्तों से उनके जहन्नम में जाने का एहतमाल होता है। और बड़ा ही बदकिस्मत इंसान है वो जिसको खुदा ताला ने ये मौका मुहैया फ़रमाया हो कि उसके सारे दरवाज़े खुदा की रज़ा की खातिर बंद हो जाएं, यानी जहन्नम में जाने वाले, और फिर भी वो ज़बरदस्ती गेट तोड़कर जहन्नम में दाखिल हो जाए। अब खाना पीना जायज़ है, और ये दरवाज़ा ऐसा है अगर हदूद के अंदर रहकर इंसान खाए और पिए और जो जायज़ चीज़ें हैं सिर्फ उनसे लज्जत याबी करे तो ये जहन्नम का दरवाज़ा नहीं बनता। मगर रमज़ान के दिनों में जब रोज़ा शुरू होता है उस वक्त से लेकर जब रोज़ा ख़त्म होता है उस वक्त तक ये दरवाज़ा खुदा ने बंद कर दिया, और सारी हलाल चीज़ें भी उस वक्त हराम हो जाती हैं। तो जो इस दौरान गेट तोड़ता है और बेवजह उन लज्जतों के हसूल की कोशिश करता है जो खुदा ने आम हालात में जायज़ रखी मगर बाज़ ख़ास हालात में हराम कर दी, उसकी ज़िंदगी के सारे खाने अमलन हराम हो जाते हैं। और इस तरफ लोग बहुत कम तवज्जो करते हैं। गोया वो सारी ज़िंदगी जो खाता रहा उसने साबित किया कि मैं हलाल की वजह से नहीं खा रहा था, मैंने तो खाना ही खाना था, खुदा ने जब हराम कर दिया तब भी मैंने खा के दिखाया है, तब मैं कौन सा रुक गया हूँ। इसलिए ये दरवाज़ा वाक़ियतन जहन्नम का दरवाज़ा बन जाता है। उसकी सारी उम्र के खाने, उसकी सारी उम्र के मशरूबात और लज्जत याबी जो मुंह के रास्ते हासिल करता रहा है वो सारी हराम के ज़ुमरे में दाखिल हो जाती है। तो रोज़ा तरक करना एक बहुत ही बड़ा गुनाह है और बहुत ही ख़तरनाक कमज़ोरी है जो इंसान दिखाता है चंद दिन की तकलीफ़ से बचने के लिए। इस सिलसिले में जैसा कि मैंने बयान किया है, जमात अहमदिया चूँकि बहुत ज़्यादा गुलूफ से बचने की कोशिश करती रही है हर मैदान में, इसलिए इस यहाँ गुलूफ से बचते बचते असल मेयार से भी गिर गई। बाज़ इलाक़े हैं, मसलन सूबा सरहद में पठानों के इलाक़े हैं, वहाँ तो इतना ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है रोज़े पर कि जिन पर खुदा ने फ़र्ज़ नहीं किया उन पर भी फ़र्ज़ कर देते हैं। और बाज़ दफ़ा गुना रोज़ा ज़बरदस्ती रखवाते गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो जाते हैं। यानी यहाँ तक कि देखा गया है कि बाज़ मुसाफिर जो बेहोश हो जाएं, उनके मुंह में पानी नहीं डालते जब तक पहले मिट्टी डाल के ना देखें। अगर मिट्टी खुश्क निकल आए तो कहते हैं अब इसको पानी दिया जा सकता है, और अगर मिट्टी में ज़रा भी तरावत आ जाए तो समझते हैं कि अभी वक्त मौका नहीं आया कि इसको पानी दिया जाए, खाए सर से में उसकी जान निकल जाए। छोटे छोटे बच्चों को रोज़ा रखवा देते हैं, और मरीज़ों के लिए भी खाना पीना कुल्लियतन हराम हो जाता है। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा अगर कोई इंसान पब्लिक जगह में अपनी मजबूरी की खातिर, मसलन ज़ियाबीतस का मरीज़ है, उसकी जान निकल रही है कमज़ोरी की वजह से, खाता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको संसार कर देंगे, बजाय इसके कि ये ख्याल करें कि खुदा ने उसको इजाज़त दी है, हम कौन होते हैं उस इजाज़त को छीनने वाले। तो नेकी में इतना गुलब है कि वो नेकी गुनाह बन गई है, और उनके रोज़े भी दरअसल बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ा या कोई और नेकी महज इस बिना पर नेकी बनते हैं कि खुदा की रज़ा की खातिर वो काम किया जा रहा है। जब अपनी जहालत को और अपने दिल की सख्ती को दूसरों पर ठोंसा जाए तो रज़ाए बारी ताला की हद से निकल जाती है और नेकी नहीं रहती, बल्कि एक बदसरिश्त के तौर पर इंसान से खुद ब खुद ज़ाहिर होती है। इसलिए इस किस्म के वाक़यात तशद्दुद के देखकर अहमदियों ने, जिनको तवाज़ुन की तरफ बुलाया गया, जिनको इस्लाम की असल रूह को कायम रखने की हदायत बार बार मिली, उनको रद्दअमल पैदा हुआ, और रद्दअमल मगर नहायत ही गलत पैदा हुआ। बजाय इसके कि तवाज़ुन पर कायम रहते वो दूसरी तरफ निकल गए और रोज़े में हद से ज़्यादा नरमी शुरू हो गई। हालांकि जैसा कि मैंने बयान किया है, ये बहुत ही अहम इबादत है, और खाने पीने के मामले में अपने नफ्स को सख्ती से बचा लेना सारी उम्र के खुदा ताला के दिए हुए रिज़्क़ की नाकदरी करने के मुतरादिफ हो जाता है। इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अमूमन ये देखा गया है कि माएँ अपने बच्चों पर ये रहम करती हैं कि इनकी अभी उम्र नहीं आई, इसलिए रोज़ा ना रखने दिया जाए, और बाज़ दफ़ा बच्चे बल्कि ज़्यादा शौक़ दिखाते हैं और माएँ ज़बरदस्ती रोकती हैं। ये दुरुस्त है कि बच्चों पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं, मगर बचपन से ही जब से नमाज़ें शुरू करते हैं बच्चे, अगर उनको रोज़े के आदाब ना बताए जाएं, उनको रोज़े के नमूने ना दिए जाएं, यानी उनको रोज़े की आदत ना डाली जाए थोड़ी थोड़ी, तो उनके अंदर वो जब वो बालिग होते हैं तो फिर रोज़े की अहमियत बाकी नहीं रहती। हमें तो याद है कादियान के ज़माने में जब खुदा के फजल से रोज़े का मयार बहुत बुलंद था, और सवाए मजबूरी के कोई अहमदी रोज़ा नहीं छोड़ता था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरबियत थी, सहाबा ज़िंदा थे, अव्वलीन ताबईन ज़िंदा थे जिन्होंने सहाबा से तरबियत हासिल की थी, इसलिए उस ज़माने में कोई ये नहीं कह सकता था कि अहमदी रोज़े में कमज़ोर हैं। और तरीक़ यही था कि बचपन से ही माएँ घरों में तरबियत देती थीं, और 9-10 साल की उम्र से बच्चे रोज़ा रखने शुरू कर देते थे, और बलूगत से मुराद अंग्रेज़ की मुकर्रर करदा बलूगत नहीं ली जाती थी कि अंग्रेज़ ने 21 साल कह दिया तो 21 साल में बालिग होगा और 21 साल में शरीयत फ़र्ज़ होगी, अंग्रेज़ ने 18 मुकर्रर कर दिए तो 18 साल के बाद शरीयत फ़र्ज़ होगी। बल्कि इंसानी इस्तिलाह में, आम उर्फ़ आम में, जब भी इंसान बालिग होता था वो पूरे रोज़े रखने की कोशिश करता था। और चूँकि रोज़े की बलूगत के मामले में कुछ इख्तलाफात फ़ुक़हा में भी पाए जाते हैं, और नशो नुमा की उम्र के बच्चों के लिए निस्बतन सहूलत भी दे रहे हैं बाज़ फ़ुक़हा, इसलिए इस मामले में भी सख्ती गैर मामूली नहीं की जाती थी, बल्कि जिसको कहते हैं इनकरेज करना, हौसला अफजाई करना, हौसला अफजाई के तौर पर कोशिश की जाती थी कि जो बच्चे बालिग हो चुके हैं, यानी 12, 13, 14 साल की उम्र में दाखिल हो जाएं, वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के रोज़े रखें। और जब वो पुख्ता उम्र में पहुँचते थे, यानी 18, 19 साल की उम्र में, तो फिर तो लाजमन पूरे के पूरे रमज़ान के रोज़े रखा करते थे। इस पहलू से रफ्ता रफ्ता खुसूसन तकसीम के बाद मैंने देखा है कि कमज़ोरी आई है। दूसरी बात, रमज़ान के रोज़ों के सिलसिले में जो कादियान में राइज देखी, और वो बहुत ही ज़रूरी और मुफीद थी, जिसको मैंने देखा है कि बाद में बहुत घरों में तरक कर दिया गया, वो ये थी कि रमज़ान रोज़ा शुरू होने से पहले बच्चों को उस वक्त नहीं उठाते थे कि सिर्फ खाने का वक्त रह जाए, बल्कि लाजमन इतनी देर पहले उठाते थे कि कम से कम 2-4 नवाफिल बच्चा पढ़ ले। और माएँ खाना नहीं देती थी बच्चों को जब तक पहले वो नफल से फारग ना हो जाएं। सबसे पहले उठ के वज़ू करवाती थीं और फिर वो नमाज नवाफिल पढ़ाती थीं, ताकि उनको पता लगे कि असल रोज़े का मकसद रूहानियत हासिल करना है। तहज्जुद पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, फिर वो खाने पे भी आएँ। और अक्सर औक़ात इल्ला माशाअल्लाह तहज्जुद का वक्त खाने के वक्त से बहुत ज़्यादा होता था। खाना तो आखिरी 10-15 मिनट में बड़ी तेज़ी से बच्चे खा के फारग हो जाते थे, और तहज्जुद के लिए उनको आधा घंटा, पौन घंटा इतना ज़रूर मुहैया कर दिया जाता था। अब जिन घरों में बच्चों को रोज़ा रखने की तरगीब भी दी जाती है, उनको इस सलीके के साथ नहीं रोज़ा रखाया जाता कि जो ज़्यादा अहम चीज़ है उसकी तरफ मुतवज्जे हों, बल्कि आखिरी मिनटों में जब खाने का वक्त है उनको कह दिया जाता है कि आओ रोज़ा रख लो, और इसी को काफ़ी समझा जाता है। इसलिए दुरुस्त है कि इस्लाम तवाज़ुन का मज़हब है, मियाना रवी का मज़हब है, लेकिन मियाना रवी का मज़हब है, कम रवी का मज़हब तो नहीं। मियाना रवी इख्तियार करो, जहाँ खुदा ने फ़र्ज़ करार दिया है वहाँ उसको फ़र्ज़ समझो, जहाँ फ़र्ज़ नहीं करार दिया वहाँ उस रुख्सत से खुदा की खातिर इस्तेफ़ादा करो। ये नेकी है, इसका नाम मियाना रवी है। इसलिए जमात को अपने रोज़े के मेयार की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए, और रोज़े के रोज़ा रखवाने की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए, और रोज़े का मेयार बढ़ाने की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। मेयार में एक तो सुबह की तहज्जुद की नमाज है, दूसरे रोज़े के दौरान के आदाब हैं। रोज़े के दौरान लड़ाई झगड़ा, तेज़ गुफ्तगू, नाजायज़ हरकत, ये सारी चीज़ें बेमानी और लग़व हो जाती हैं मोमिन के लिए। और ये एक तरबियत का दौर है। जिस शख्स को 1 महीना ये तरबियत मिलती है कि उसने अपनी ज़ुबान पर काबू रखना है, वो उससे तवक्को ये की जाती है कि वो महीना गुजरने के बाद भी ज़ुबान पर काबू ही रखेगा। ये मुराद तो नहीं है कि महीना का इंतज़ार हो रहा है, महीना ख़त्म हो तो फिर मैं गालियाँ शुरू करूँ। जिसको 1 महीना ज़िक्र इलाही की आदत पड़ जाए, जिसकी ज़ुबान तर हो अल्लाह की मोहब्बत और प्यार से, जिसका दिल भरा हो अल्लाह के ज़िक्र से, 1 महीने के बाद उससे ये तवक्को रखना कि वो वापस अपनी पुरानी गंदी आदतों की तरफ लौट जाएगा, ये एक बिल्कुल लग़व और बेमानी तवक्को है। अगर लौटता है तो फिर वो रोज़े को समझा ही नहीं, उसने रोज़े से फ़ायदा नहीं उठाया। कि तो ऐसा ही है जैसे 1 महीना किसी को अच्छी ग़िज़ा खिलाई जाए और वो इंतज़ार कर रहा हो कि महीना ख़त्म हो तो फिर मैं दोबारा गंद खाना शुरू करूँ, और महीना ख़त्म होते ही कहे कि बहुत अच्छा शुक्र है अब मौका आ गया, अच्छी ग़िज़ाएँ जाएँ जहन्नम में, अब मैं गंदगी शुरू करता हूँ। तो रोज़ा तो बाकी 11 महीनों की भी ज़मानत देने के लिए आता है, बाकी 11 महीनों के भी आदाब सिखाने के लिए आता है। लेकिन इस महीने में आदाब सिखाए जाएं तो बाकी 11 महीने उन आदाब का असर पड़े ना। अगर सिर्फ भूख का नाम रोज़ा है तो फिर तो इंसान रोज़े की अक्सर नेकियों से महरूम रह जाएगा, अक्सर फ़वाइद से महरूम रह जाएगा। इसलिए अपने घरों को बकिया दिन जितने भी बाकी हैं उनको आदाब की फैक्ट्रियाँ बना दो। इस्लामी आदाब, इस्लामी अखलाक, जो जो कमज़ोरियाँ आम हालात में बच्चों में पाई जाती हैं उनको दूर करने की तरफ मुतवज्जो हो और रोज़े का वास्ता देकर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात बता बता के बच्चों को समझाओ कि तुम पहले ज़रा ज़ुबान में ऐसी बात बेहतियाती कर लिया करते थे, अब रोज़ा आ गया है, अब बिल्कुल नहीं करनी। और इसी तरह दीगर उमूर में भी तिलावत की आदत डालना, ज़िक्र इलाही की आदत डालना, दुआओं की आदत डालना, हुस्न सलूक की आदत डालना, हकूक़ की अदायगी की आदत डालना, ज़ुबान को झूठ से कुल्लियतन पाक करने की आदत डालना, साफ़ और सच्ची बात की आदत डालना, कौल सदीद की आदत डालना, ये सारे मौक़े हैं रोज़े के लिए। बस जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, तो साथ ये भी फरमाते हैं कि जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो सिर्फ मनफी पहलू नहीं रखना बल्कि उस मुस्बित पहलू पर भी नज़र रखें, और ये दरवाज़े खोलेंगे तो खुलेंगे ना। अगर आपने अपने हवासे खमसा में से हर एक के लिए इस अरसे में नेकी के दरवाज़े ना खोले तो जहन्नम के दरवाज़े तो बंद कर रहे होंगे लेकिन बेमकसद उसके बदले कोई नेकी का दरवाज़ा नहीं खोल रहे होंगे। बस मुराद ये है कि बदियों के हर बदी के बदले एक खूबी पैदा करो, हर बदसूरती के बदले एक हुस्न पैदा करो, और 30 दिन मुसलसल इस जिद्दोजहद में गुजार दो कि तुम्हारी बदियाँ छट कर पीछे रह जाएं और तुम्हारी नेकियाँ रमज़ान की बरकत से बढ़ते बढ़ते नुमायाँ होकर गैर मामूली चमक के साथ आगे बढ़ें, और हर रमज़ान जो गुज़रता है वो पहले से बेहतर हालत में तुम्हें पाए। ये मकसद है रोज़े का, और जमात अहमदिया को इस तरफ खुसूसियत के सवात अब तवज्जो करनी चाहिए, बल्कि वक्त है कि इसके मुतालिक जहाद शुरू किया जाए आलमी पैमाने पर। जिस तरह इबादत में अल्लाह ताला के फजल से हम बाकी सबको गैर मामूली तौर पर पीछे छोड़ गए हैं, उसी तरह रोज़े के मैदान में भी इंशाअल्लाह ये अहद करके उठें कि हमने लाजमन बाकी सब दुनिया के मुसलमान कहलाने वालों हों या दूसरे हों सबको पीछे छोड़ देना है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ों की तरफ जो रुझान है, रुझान था, वो आपके अल्फाज में मैं आपके सामने रखता हूँ। आप फरमाते हैं मेरी तो ये हालत है कि मरने के करीब हो जाऊँ तब रोज़ा छोड़ता हूँ, तबीयत रोज़ा छोड़ने को नहीं चाहती। ये मुबारक दिन हैं और अल्लाह के फजल और रहमत के नुज़ूल के दिन हैं। फिर फरमाते हैं एक दफ़ा मेरे दिल में आया कि ये फ़िदिया किस लिए मुकर्रर किया गया है, तो मालूम हुआ कि तौफीक के वास्ते है ताकि रोज़े की तौफीक इससे हासिल हो। खुदा ही की ज़ात है जो तौफीक अता करती है, और हर शय खुदा ही से तलब करनी चाहिए। ये एक ऐसा लतीफ़ मजमून है जो सवाए हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आज तक किसी मुफस्सिर ने रोशन नहीं फरमाया। वल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िदियतु तामु मिस्कीन, बिल्कुल एक और रंग में एक आयत का मजमून खुल गया कि वो लोग जो रोज़े की ताकत नहीं रखते लेकिन तमन्ना रखते हैं और हसरत रखते हैं काश हम भी रोज़ा रख सकें, उनको रोज़ा उनके लिए तरकीब ये बताई जाती है कि वो फ़िदिया दें, एक गरीब का पेट भरें, उसकी दुआएं लगेंगी तो अल्लाह ताला रोज़े की तौफीक भी अता फरमाएगा। गर्ज़ी के हसूल ताकत के लिए फ़िदिया है। जवाब ये है कि जिन लोगों को अंदर रोज़ा रखने की ताकत नहीं, वो बेकरार हैं, उनको हम बताते हैं कि अगर वो फ़िदिया अदा करेंगे तो खुदा ताला उनकी तौफीक को बढ़ा देगा। फरमाते हैं हर शय खुदा ही से तलब करनी चाहिए, खुदा ताला तो कादिर मुतलक़ है, वो अगर चाहे तो एक मदकूक को भी रोज़े की ताकत अता कर सकता है। तो फ़िदिया से यही मकसूद है कि वो ताकत हासिल हो जावे, और ये खुदा के फजल से होता है। बस मेरे नज़दीक खूब है कि इंसान दुआ करे कि इलाही ये तेरा एक मुबारक महीना है और मैं इससे महरूम रहा जाता हूँ, और ये क्या मालूम कि आइंदा साल ज़िंदा रहूँ या ना, या उन फौतशुदा रोज़ों का हक अदा कर सकूं या ना, और उससे तौफीक तलब करे तो मुझे यकीन है कि ऐसे दिल को खुदा ताकत बख्शेगा। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब मैंने 6 माह रोज़े रखे थे तो एक दफ़ा एक ताइफ़ा अम्बिया का मुझे मिला कश्फ में। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलसल एक दफ़ा 6 माह के रोज़े रखे और ग़िज़ा कम करते करते यहाँ तक कम कर दी कि आप फरमाते हैं कि आम ताकत का इंसान अगर उस ग़िज़ा पे आता तो मर जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने गैर मामूली ताकत अता फ़रमाई और गैब से इस लिहाज से बेरिज़्क़ अता फ़रमाया कि जिस ग़िज़ा पर आम इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, उस ग़िज़ा पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई माह तक मुजाहदा फ़रमाते रहे और खुदा ताला के फ़ज़ल से इबादत के हकूक़ भी अदा करते रहे, इतनी ताकत के साथ रहे। तो फरमाते हैं कि जो खुदा ताला ने उस ज़माने में एहसानात फ़रमाए उनमें एक ये भी था कि एक अम्बिया का ग्रोह मुझे मिला और उन्होंने कहा, तूने क्यों अपने नफ्स को इस कदर मुशक्क़त में डाला हुआ है, इससे बाहर निकल। इसी तरह जब इंसान अपने आप को खुदा के वास्ते मुशक्क़त में डालता है, वो खुद माँ बाप की तरह रहम करके उसे कहता है कि तू क्यों मुशक्क़त में पड़ा हुआ है। इसकी मिसाल वैसे ही है जैसे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह ताला फरमाता है कि तू क्यों अपनी जान को हलाक कर रहा है इन लोगों के गम में। फ़लाल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस आसफ़ा। फिर फरमाया, फ़लाल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनू मोमिनीन। क्या मोहम्मद, तू अपने आप को इस गम में क्यों हलाक कर रहा है कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गम में हलाक हो रहे हैं और अल्लाह रोक रहा है जिसकी खातिर हलाक हो रहे हैं कि नहीं, बस आगे कदम नहीं बढ़ाना, इतना बहुत है, इतना ज़्यादा गम न कर। तो जब इंसान खुदा की खातिर अपने आप को मुशक्क़त में डालता है तो अल्लाह ताला ख़ुद उसको मुशक्क़त से रोकता भी है और उस पर इस माने में भी अपने रहम की तजली फरमाता है। बस रमज़ान का जितना भी वक्त बाकी है इससे फ़ायदा उठाएं और ये ना हो कि आखिर पर बहुत से लोग हसरत से ये कहते हुए इस रमज़ान से गुज़रें कि अब के भी दिन बहार के यूं ही गुज़र गए, खुदा की तरफ से रूहानी बहार के दिन आए भी और हम उससे फ़ायदा ना उठा सकें। जो लोग लैलतुल क़द्र के ख़्वाह हैं और लैलतुल क़द्र की तलाश में रमज़ान की आखिरी रातों में सही करने वाले हैं, उन लोगों से मैं ये कहता हूँ कि लैलतुल क़द्र की जो इलामतें आम तौर पर मशहूर और मारूफ हैं वो तो ऐसी हैं जो बाज़ दफ़ा इत्तेफाक़ात से भी पैदा हो जाती हैं। मसलन बिजली की कड़क है, बारिश का हल्की हल्की बारिश का रहमत की बारिश का होना, या दिल की कैफियत का किसी ख़ास वक्त में ख़ास मौज में आ जाना और अल्लाह ताला की ख़ास मोहब्बत का महसूस करना, ये सारी कैफियत हैं जो मुख्तलिफ़ इंसानों पर मुख्तलिफ़ हालतों में तारी होती रहती हैं। इसलिए यकीन के साथ आदमी नहीं कह सकता कि जिस तजर्बे से वो गुज़रा है वो ज़रूर लैलतुल क़द्र का तजर्बा था। लेकिन एक बात मैं आपको यकीन के साथ बताता हूँ, अगर वो आपको नसीब हो गई तो लाजमन आपको लैलतुल क़द्र नसीब हो गई। इस आखिरी अशरे में जब भी वो रात आपको मिली जिस रात आपने अपने गुनाहों से हमेशा के लिए कुल्लियतन सच्ची तौबा कर ली और ऐसा तौबा की कि फिर आप लौट कर उन गुनाहों में वापस नहीं जाएंगे, तो यकीन जाने कि वही आपके लिए लैलतुल क़द्र है और वो 1000 महीनों से बेहतर रात थी जो आपके ऊपर आ गई। उसके बाद आपके लिए कोई खौफ नहीं है। फिर औलियाउल्लाह में आपके दाखिल होने के दिन आने वाले हैं। इसलिए ऐसी रात की तलाश करें जो गुनाहों से तौबा की रात बन जाए और ऐसी तौबा की रात बने कि उसके बाद फिर आप मुड़कर उन गुनाहों की तरफ न देखें। फिर आपकी जितनी भी रातें आएंगी आपके लिए लैलतुल क़दर ही है, और खुदा की रहमतें और बरकतें हमेशा आप पर नाजिल होती रहेंगी। इसलिए इन दुआओं के साथ रमज़ान का आखिरी अशरा गुजारें और अपने मज़लूम भाइयों के लिए खुसूसियत के साथ दुआ करें। रमज़ान के शुरू होने से एक दो रोज़ पहले की बात है कि अल्लाह ताला ने एक रात मुझे बार बार मुसलसल इस दुआ की तरफ मतवज्जे फरमाया, रब कुल्लो शैन खादिमों का रब फाफजना वन सुरना वरहमना। और ये नज़ारा बार बार मैं देखता रहा कि अभी कुछ आफात जमात के सामने बाकी हैं, उन आफात को टालने के लिए मैं मुख्तलिफ दुआएं करता हूँ और कुछ असर पड़ता है और फिर भी वो बाकी रहती हैं। फिर मेरी तवज्जो इस तरफ मबजूल होती है कि रब्बे कुल्लो शाइन खादिमों का की दुआ करनी चाहिए। और जब मैं ये दुआ करता हूँ तो जिस तरह तेज़ाब से जंग घुल जाता है या सुबह सादिक से अंधेरे धुल जाते हैं, उसी तरह वो आफात बिल्कुल ज़ायल हो जाती हैं और उनका कोई निशान बाकी नहीं रहता। तो चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे ये बात सिर्फ अपने तक महदूद रखने के लिए नहीं बल्कि सारी जमात को बताने की खातिर ज़ाहिर फरमाई है मुझ पर, इसलिए रमज़ान के आखिरी अशरे में खुसूसियत के साथ इस दुआ का भी विर्द करें। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो एक मौके पर यह फरमाया कि ये दुआ इसमें आज़म है, रब कुल्लो शैन खादिमों का रब फाफजना वंसुरना वरहमना, कि इसमें आज़म है। इससे बड़ी और कोई दुआ नहीं है जो हर कैफियत पर हावी है। इसलिए बाकी दुआओं के अलावा जो कुरानी दुआएं हैं, अंबिया की दुआएं हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआएँ सिखाई हैं या जो दिल की कैफियत से ख़ुद बखुद फूटती हैं, उनके अलावा उनको छोड़ कर नहीं, इस दुआ की तरफ भी खुसूसियत के साथ तवज्जो करें। खुदा करे हमें वो लैलतुल क़द्र नसीब हो जो दायमी सुलह की रात है, यानी खुदा ताला के साथ दायमी सुलह की रात है, और जिसके नतीजे में फिर खुदा ताला के फजलों की हमेशा के लिए ज़मानत हासिल हो जाती है। ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله